हरिद्वार की इस साल की पितृपक्ष की शुरुआत 29 सितंबर से होने जा रही है, जिसका समापन 14 अक्टूबर को होगा। 15 दिनों तक चलने वाली इस पितृपक्ष में पूर्वजों का निमित्त, पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध का जो कर्म है वो किया जाता है। पितृपक्ष के दौरान पितरों की पूजा करने से जीवन में आने वाली सभी बाधाएं, परेशानियां दूर हो जाती है और पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि हरिद्वार में नारायणी शिला पर पितरों का तर्पण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी के चलते श्राद्ध कर्म के लिए देश भर से श्रद्धालुओं का हरिद्वार में पहुंचना शुरू हो चुका है। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। स्थान है अर्धगया के नाम से माना जाता है। भगवान नारायण जी का यहाँ पर कंठ से लेकर के नाभि तक का हिस्सा है। ऊपर का भाग भगवान नारायण जी का बद्रीनाथ में है, यानी ब्रह्म कपाल के नाम से जाना जाता है। और जो भगवान नारायण जी के चरण पादुका है वो गया जी बिहार में। तीन स्थान है, बद्रीनाथ, हरिद्वार और गया। इन तीनों जगह पर जो अपने पितरों के लिए श्रद्धा भाव से श्राद्ध पिंडदान यानी तर्पण पिंडदान हवन पूजा पाठ करता है, उनके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। विशेष तौर पर यहाँ पर श्राद्ध में काफी भीड़ भड़ाका होती है। लोग दूर दूर से देश विदेश से यहाँ पर आकर के पूजन कराते हैं, अपने पितरों के निमित्त आकर के तर्पण देते हैं, जल तर्पण लेते हैं, पिंडदान कराते हैं, श्राद्ध करते हैं, यानी तो इस प्रकार से पूजा करने से उनके घर में सुख शांति प्राप्ति होती है। धन धान्य की, कारोबार की, वंश की, कुल की वृद्धि हो जाती है। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, यानी और जो अपने पितरों के लिए श्राद्ध क्रम करके जाता है तो उनको ये आशीर्वाद प्राप्त होता है।